देखिए, मैंने पीछे भी सीएम साहब से इस पर डिस्कशन करी थी। अगर हम एनपीएस और ओपीएस का डिफरेंशिएशन देखें तो सिर्फ 4% का है। 10% आज जमा करते हैं, वो 14% जमा करते हैं। अगर स्टेट विलिंग है, और इस पर हम विचार भी कर रहे हैं कि जल्द हरियाणा भी कोई प्रपोजल लेके आएगी कि हम एनपीएस में ही 4% शेयर बढ़ाकर हमारे एम्प्लॉयज़ को वो बेनिफिट दे दें जो ओपीएस में आ रहा था, तो मुझे लगता है एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड है और हमें स्कीम को बदलने की ज़रूरत थी। और हम तो केंद्र को भी ये ज़रूर कहेंगे कि केंद्र भी विचार करे कि इसको 10 से 14% वो भी करे, जिसमें एम्प्लॉय शेयर भी बढ़ जाए, स्टेट शेयर भी बढ़ जाए। कोर्ट का था, उसके अंदर एक दिक्कत आ रही थी, क्योंकि एक तो हमारी जो रोड एयरपोर्ट के अंदर से निकल रही है, अब उसको बंद करने का समय आ चुका है, तो उसके अंदर अब हैवी ट्रैफिक को इमीडिएटली उस पर बंद कर दिया जाएगा। और क्योंकि लोकल लोगों की डिमांड है, अल्टरनेटिव रोड्स हमने डेवलप कर दिए हैं, तो उस पर धीरे धीरे ट्रैफिक को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया जाएगा, कि जो हमारा बाउंड्री वॉल का काम है और पुराने रनवे को नए रनवे तक लिंकेज का काम है, उसको जल्द से जल्द टेकअप किया जाए। साथ में थोड़ा सा डिले हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आया है इसके अंदर, जिसके अंदर जैसे कैट टू लाइट्स जो लगनी है, उसकी अभी मास्टर प्लानिंग उनकी तरफ से जीओआई की तरफ से नहीं आई। आज उनके अधिकारी भी आए हुए थे, उनको भी डायरेक्ट कर दिया है कि टाइम फ्रेम मैनर के अंदर एक ईएसी लेवल का हमारा ऑफिसर पीडब्ल्यूडी का इस पूरे प्रोग्रेस के लिए अब हमने डेडिकेट कर दिया है। वहाँ पर ऑफिसर्स के पास एडिशनल चार्जेस है, जिससे एफिशिएंसी थोड़ी सी जो हम चाहते थे वो नहीं आई। अब ये निर्णय आज लिया है कि परमानेंट एसडीओ जेईज वहाँ पर रहेंगे और एक्सीएन को भी वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा, जो डेडिकेटेडली केवल मात्र एयरपोर्ट रिलेटेड जो हमारा काम है उसको मॉनिटर भी करेगा और उसको टाइम बाउंड मैनर के अंदर टेकअप करेगा। एक जरूर आज निर्णय लिया गया है कि अब 15 दिन के अंदर एक रिव्यू निरंतर ACS लेवल पर होगा, जिसके अंदर टाइमलाइंस जो हैं उसको मीट करने के लिए ACS इसको पूरी तौर पर मॉनिटर करने का काम करे। सत्य, सटीक, बेबाक।